अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं पैरामेट्रिक चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेक्चर नंबर वन जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसकी एग्जांपल नंबर वन मैंने डिटेल में करवाई थी, और अब मैं आज आपको करवाऊंगी इसकी एग्जांपल नंबर टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुकी है। पैरामेट्रिक चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम चेंज इन सी भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमारे पास जो जी में होता है वहाँ पर टीज होती हैं। पैरामेट्रिक चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो जी में चेंज होता है। उसके बाद प्रॉब्लम हमें इस तरह से दी हुई है, सेम जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हमने कर लिया। उसके बाद हमने इसके टी को ज़ीरो कर देना है। टी को जब ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x1, ये ज़ीरो हो जाएगा। टी को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2x2 एंड +5x3। तो ये सेम वही प्रॉब्लम बन जाएगी जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी की है। ये एग्जाम्पल नंबर वन जो मैंने आपको पहली वीडियो में करवाई थी, अब इसके अंदर देखें सिर्फ ये वाले टी वाली जो वैल्यूज़ है ना, वो इस एग्जाम्पल में भी चेंज है। इसमें भी ये देखें टीज़ वाली सिर्फ चेंज है। यहाँ पे 6t है 3x1 और यहाँ पे 2t है। बाकी जब हम इसको टी को पुट करेंगे सेम वही प्रॉब्लम। ये देखें ये यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमने टी है वहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो सेम ये वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल सेम बन जाएगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले टी को ज़ीरो पुट करना है। उसके बाद वही सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जी की जो न्यू जी है वो ये बनेगा, और उसके अलावा हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी ये न्यू जी, इस पूरी प्रॉब्लम को सब्जेक्ट टू ये प्रॉब्लम, और इस जी को यूज़ करते हुए हम इसका टेबल बनाएंगे। उस टेबल को हम लोग उस टेबल को हम सिंप्लेक्स मेथड से यूज़ करके ऑप्टिमल टेबल हासिल करेंगे। जो ऑप्टिमल टेबल होगा वो ये होगा, पैरामेट्रिक की चेंज इन बी और पैरामेट्रिक चेंज इन सी। लेक्चर वन जो है, यानी दो वीडियोस जो पैरामेट्रिक कोफिशिएंट्स में, पैरामेट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको दो टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, दोनों के अंदर प्रॉब्लम यही बन रही थी, और मैं आपको ये ऑप्टिमल टेबल भी बता चुकी हूँ। आप लोगों ने ये वाले जी और पीछे से जो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसको यूज़ करते हुए हमने टेबल बनाना है। उसको सिंप्लेक्स मेथड से यूज़ करने के बाद हमारा जो ऑप्टिमल टेबल है वो ये बनता है, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें से हमने अगेन बी नॉट इनवर्स उठाना है। ये बी नॉट इनवर्स हमारा होता है जी को छोड़ के बेसिक वेरिएबल्स के नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं टेबल के अंदर, वो हमारा बी नॉट इनवर्स होता है। वो इस तरह से आ जाएगा। उसके पास जी कोफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स x2, 3 एंड x6 है, तो 1, 4 एंड 5 जो है हमारे पास, 1, 4 एंड 5 जो है वो जिनसे हम जी कोफिशिएंट्स निकालेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने जो पहली इसकी वीडियो बनाई है ना वो भी देख लें। अगर कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आपको क्लियर हो जाएगा उनसे, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे। बी नॉट इनवर्स में मैंने आपको बताया था कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। पहली लाइन जो है वो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरी लाइन x3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तीसरी लाइन x6 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 2, 3 और 6 के ही हम लोगों ने सी बी नॉट्स उठाने हैं, 2, 3 एंड 6। तो 2 का क्या है हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर, वो है 2 - 2t, और 3 का है 5 + 5t, और 6 का 0 है यहाँ पर। ये देखें 5 + 5t, 2 + -2t, और उसके साथ हम लोगों ने बी नॉट इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा के हमने m को फाइंड कर लिया। ये सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने की हुई है, हमारे पास ये m आ जाएगा। फर्दर हमने z1 के लिए, z4 के लिए और 5 के लिए z की वैल्यूज निकाल ली हैं। सबसे पहले z1 के लिए करेंगे mp1 - c1। m जो हमारा निकला है वो ये p1 कोफिशिएंट्स ऑफ x1, ये मैंने आपको बार बार बताया है कोफिशिएंट्स ऑफ x1 गिवन क्वेश्चन के अंदर वो क्या है। p1 क्या है, 1, 3 एंड 1। P2 क्या है हमारे पास, 2। P2 की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, 0 एंड 4, 2, 0 एंड 4। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। यहाँ पे P1 की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी -C1, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन z, यानी इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हमने C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, उसको सॉल्व किया। Z4 के लिए हमने mp4 - c4 किया, m की वैल्यू p4 हमारा 100 बनेगा, क्योंकि पहले में ही सिर्फ x4 है, बाकी दो में x4 नहीं है। माइनस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास x4 का जो कॉफिशेंट है वो 0 है, तो ये z4 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास z5 आ जाएगा। उसकी वैल्यू निकालिए, थस x b0 रिमेन्स ऑप्टिमल सो लॉन्ग एज फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, फिर हम लोगों ने इस सब को ग्रेटर देन 0 कर लेना है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव तो नहीं है, ये नेगेटिव आ रही है। सारे पॉजिटिव हों तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं। अब देखें, ये तीनों को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेना। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी ये पॉजिटिव है, लेकिन टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी,
और यहाँ से भी हमारे पास जो है ना, मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में कुछ टी को लेस आना चाहिए, टी को ग्रेटर नहीं आना चाहिए, ये टी ग्रेटर की फॉर्म में कोई वैल्यूज देंगे। तो हमने पॉजिटिव वालों को तो बिल्कुल छोड़ देना, हम लोग दरमियान वाली वैल्यू को लेंगे। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड फिजिबल फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ से जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगी टी लेस देन इक्वल टू वन। तो टी जो है वो लेस की फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से ऑनवर्ड जाना है। लेकिन जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये कुछ आएगा टी लेस देन इक्वल टू माइनस फोर्टीन फोर, इस तरह से कोई वैल्यू आती है। टी लेस देन इक्वल टू माइनस फोर बाई फोर्टीन, इस तरह कोई वैल्यू आती है जो कि हमारी ज़ीरो से लेस है। हमें तो ज़ीरो से बड़ी चाहिए और स्टार्ट हमने ज़ीरो से करना है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू उठाएंगे और हमारा जो एम हैंस एक्स फोर एंटर्स द सॉल्यूशन। अब हमारा ये क्यों आया है, देखें 4 प्लस फोर्टीन टी हमारा ये z1 की मदद से आया है और ये z4 की मदद से आया है और ये z5 की मदद से आया। तो हमने सेलेक्ट कौन सा किया, ये वाला, तो z4 है, देन हमारा x4 एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो हमारा x4 एंटर्स दी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग लीविंग एंटरिंग वेरिएबल हम लोग सेलेक्ट करते हैं सिम्प्लेक्स टेबल में भी, देन हम रेशो फाइंड करते हैं। तो अब रेशो किस तरह से हम लोगों ने फाइंड करनी है, हमारा जो ऑप्टिमल टेबल था ये था ना ऑप्टिमल टेबल। अब इस ऑप्टिमल टेबल के अंदर देखिए हमारे पास ये एंट्रिंग वेरिएबल हो गया एक्स फोर, एक्स फोर एंट्रिंग वेरिएबल। अब इस पूरे कॉलम को हम लोग सॉल्यूशन कॉलम को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो फाइव डिवाइडेड बाई वन बाई, यानी ये एंट्रिंग वेरिएबल है, मैं लगा रही थी, फाइव डिवाइडेड बाई वन बाई टू, तो जो रेशो आएगा उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई जीरो करेंगे वो इन्फिनिटी आएगा, वो भी हम नहीं लेते, और 10 डिवाइडेड बाई माइनस टू करेंगे तो वो माइनस फाइव आएगा। तो रेशो माइनस में भी नहीं लेते, इन्फिनिटी में लेते, तो एक ही रेशो हमारे पास बनेगी, वो है 5 डिवाइडेड बाई वन बाई टू। तो हमारी आएगी 5 डिवाइडेड बाई वन टू, ये इन्फिनिटी और ये नेगेटिव वैल्यू मैंने जो लिखी है, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हर रेशो कौन सी हमारी होती है, रेशो हमारी लीस्ट पॉजिटिव होती है। तो लीस्ट पॉजिटिव हमारे पास सिर्फ यही एक है, तो ये 10 वाली, 10 वाली रेशो फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जब 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो ये एंट्रिंग वेरिएबल है, तो x2 हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, तो x4 इसकी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, तो हमारी इसको लीव करवा दिया, तो हमारी जो वैल्यू सेलेक्ट होगी वो है 1 बाई 2। इसको सेलेक्ट करके इसको 1 बनाना है, ऊपर नीचे हमें सारे जीरोस करने। तो ये पिछले टेबल में हम लोगों ने ये 1 बाई 2 को 1 बनाया, ऊपर नीचे सारे जीरो किए, तो हमारा टेबल ये बन जाएगा रो कॉलम ऑपरेशन से। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ तक z को छोड़ के बेसिक वेरिएबल्स के नीचे ये सारा जो पड़ा है, पहले आइटरेशन जीरो थी तो हमारा b नॉट इन्वर्स था, तो अब हमारी जो नेक्स्ट होगा वो b1 इन्वर्स होगा। तो ये सारा पार्ट हमने उठाकर इसको b1 इन्वर्स कह लेना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग है x4 के, x3 के, x6 के। तो हम लोग क्या करेंगे, x4 का कोफिशिएंट जो है z में वो ज़ीरो है, x3 का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास z में है 5 प्लस 5t, देन 5 प्लस 5t आएगा, और x6 का ज़ीरो है। अपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है, जो पहले है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है, वरना क्वेश्चन गलत होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के हम लोग m निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने z कोफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक हम लोग किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो 1, 2 और 5 के रिस्पेक्ट से हम लोग z के कोफिशिएंट्स निकालेंगे। m हम निकाल चुके हैं, ये आया हमारे पास z1 निकालेंगे, mp1 माइनस c1, z m की वैल्यू ये, p1 की वैल्यू ये, माइनस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3 माइनस 60 c1 है। मैं बार बार दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए। उसके बाद इसी तरह z1 को सॉल्व किया, ये सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है, समझ आ रही होगी आप लोगों को, ये इस ये पूरी के नीचे डिवाइड कर रहा है 2। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, उसके बाद z2 का निकालेंगे फार्मूला वगैरह लगा के सारा, तो ये z2 की आ जाएगी, और इसी तरह z5 की निकालेंगे तो वो ये आ जाएगी। अब हमारे पास अगेन सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं है, एक ये पॉजिटिव नज़र आ रही है, एक ये पॉजिटिव नज़र आ रही है, एक ये नेगेटिव हमें नज़र आ रही है। सिंस ऑल दी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी ये गलती की मैंने यहाँ पे, सारी पॉजिटिव ही हैं। देखें, सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ज़ीरो, सो करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी। किस तरह से पॉजिटिव हैं, हम लोगों ने ग्रेटर देन ज़ीरो करके देखना होता है ना, इसको भी जब ग्रेटर देन ज़ीरो करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू टी को ज़ीरो से करके तो हम लोग इनको चेक करते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाती है ना, तो उनको तो हम देखते भी नहीं। इस तरह पिछली आइट्रेशन थी जिसमें ये भी पॉजिटिव था, देन ये भी पॉजिटिव था, तो इनको हमने नहीं था देखा। तो टी के साथ जहाँ पे नेगेटिव था
हमने उसको देखा था कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है हमारा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू प्लस टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। पहला हमारा जो था वो ज़ीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू वन तक गया था, और दूसरा हमारा टी से टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। लेकिन देखिए मैंने ऊपर ये करके देखा है, अगर हम 9 प्लस 27 टी डिवाइडेड बाई 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, तो ये देखिए हमारा आएगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। टी है तो हमारा बड़ा ही, लेकिन इससे बड़ा, लेकिन हम लोग इससे बड़ा क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी रेंज तो पहली रेंज हमारी 0 से 1 तक गई थी, अब दूसरी भी तो हमारी 1 से ऑनवर्ड होनी चाहिए ना, तो ये हमारी 0 से 1 थी, और ये जो हमने जो दूसरी वाली वैल्यू सेलेक्ट की है इसमें हमें अपनी रिक्वायर्ड रेंज मिल रही है 1 से ऑनवर्ड और है भी पॉजिटिव। Since all conditions are satisfied for all t greater than equal to 0, so current optimal solution is valid for all values of t. Last पर वही टेबल जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया, t 0 less than equal to t less than equal to 1 था जब, तो हमारे पास जो टेबल था यहाँ पे, इस टेबल में हमारे पास x2 की वैल्यू 30 थी, x2 की वैल्यू 5 थी, x3 की वैल्यू 30 थी, और x1 0 था यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑप्टिमल टेबल है। उसके बाद फर्दर एट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास टेबल आया था वो ये था, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ x3 था जो 30 था, और x1 और x2 जो है वो 0 थे। हमने नॉन बेसिक वेरिएबल भी देखने होते हैं ना, तो इनकी वैल्यूज़ को हमने लिख दिया। लेकिन इसका जी सिंपल नहीं आएगा, जी में टी की फॉर्म में आएगा। किस तरह आएगा? हमारा जो गिवन, हमें जो गिवन है ना जी, वो ये है मैक्सिमम ऑफ जी, और ये सारा जी दिया होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसके रेंज के हिसाब से ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, x1 को 0, x2 को 5 और x3 को 30 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 160 प्लस 140 टी हमारा जी आ जाएगा। वो लिख देना हमने टेबल में, ये रफ में करना है हमने काम। उसके बाद जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x1 को भी 0 पुट किया, x2 को भी 0 पुट किया, लेकिन x3 हमारे पास 30 था, उसको 30 पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो 150 प्लस 150 टी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा स्टॉप। तो ये था हमारा पैरामीट्रिक चेंज इन सी, पैरामीट्रिक चेंज इन ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है इसके वीडियो से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।